ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार एक भवन ठेकेदार से परेशान है। परिवार का आरोप है कि ठेकेदार उनसे घर बनाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ चुका है, लेकिन अब तक घर नहीं बना है। पैसे वापस मांगने पर ठेकेदार बदसलूक और मारपीट करता है। पीड़ित परिवार ने अब एसपी के सामने गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार की महिलाओं का आरोप है कि ठेकेदार संदीप चंदोलिया को उन्होंने अपना घर बनाने का ठेका दिया था। वह घर बनाने के नाम पर 23 लाख रुपए ले चुका था। संदीप मुरैना में पदस्थ एक महिला पुलिस अधिकारी का भाई है। इस कारण से ना तो उसने मकान बनाया और ना ही उनकी रकम वापस की, और कोतवाली थाने की पुलिस भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार की महिलाएं पिछले 8 दिनों से रुपए वापस लेने के लिए ठेकेदार के चक्कर काट रही थी, और जब ठेकेदार के घर पहुंची तो उसने मारपीट कर उल्टी FIR दर्ज करा दी। पीड़ित परिवार की शिकायत सुनने के बाद SP ऑफिस में मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने पीड़ित परिवार को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो संदीप चंदोरिया ठेकेदार है, हमने उसको मकान बनाने का ठेका दिया हुआ था, तो उसने हमें पैसे देने के लिए घर पर बुलाया। अब हम सभी के पैसे फंसे हुए थे, तो हम सब लोग लेने गए तो उसने प्री प्लान किया, पता नहीं क्या, उसने हम पे मारपीट की, हमारे कपड़े फाड़ दिए, आगे से खींचा तानी कर दी हमको, मतलब गलत तरीके से करने का वो कर रहा था। और फिर जब हम थाने पहुँचे तो थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं ली, और हमको पागल बनाया जा रहा है कि अभी नहीं ऐसा करो। हमारी MLC भी हमारी 11 बजे हुई है, और जो दूसरा पक्ष था उसकी उन्होंने MLC तुरंत करा दी, उनकी FIR दर्ज हो गई, उनका सब कुछ कर दिया, क्योंकि उनकी बहन DSP है, इसलिए उनका सब कुछ कर लिया, हमारा कुछ नहीं किया। कोतवाली क्षेत्र में कल एक आपसी विवाद हुआ था, उनके घर में जाके मारपीट की गई थी, तो इनके विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीकृत किया गया। उसके विरुद्ध इनके द्वारा जो जिनने आवेदन दिया उस पर से इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, और उस पर जांच तस्दीक की जा रही, तस्दीक पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।